टू दी राइटनेस। नंबर टू, इसलिए चेयरमैन साहब आई रिस्पेक्ट दी एलओपी, आई रिस्पेक्ट दी ऑपोजिशन, आई रिस्पेक्ट दी एलओपी, आई रिस्पेक्ट दी ऑपोजिशन, बट एट द सेम टाइम प्लीज कीप क्वाइट, आई बीन गिवन द टाइम बाय द चेयरमैन, आई थिंक यू आर ए न्यू मेंबर। विकास भट्टाचार्य जी, आई हैव गिवन हिम द फ्लोर। सिट डाउन सर, सर सिट डाउन सर, सर सर सिट डाउन, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज कंटिन्यू। सर, आई रिस्पेक्ट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आई रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, बट आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड दैट प्रूविंग योर पॉइंट शुड नॉट गो बियॉन्ड द नॉर्म्स ऑफ द हाउस, एंड रेजिंग एस्पर्शन ऑन द चेयरमैन कैन नॉट बी अग्रीड अपॉन। ठीक है सर, मैं सर किसी का मान करने के लिए इस सदन में नहीं आया। अगर ये उचकाने की बात करते हैं तो मैं उसको मानूंगा। खड़गे जी, अगर कोई अगर ऐसी बात आई है, एक सेकंड, विद अ हैवी हार्ट, नो, विद अ हैवी हार्ट एंड in deep pain I have been suffering accusations of severity wholly unfounded. A member of this house, Shri Jairam Ramesh, called me a cheerleader. Can you imagine pending? When Khadgeji, honorable members, mark my words, when Khadgeji said so, I said, from me? I was aghast, but I didn't want to break his flow. Sir, I'm taking cognizance of it for a very simple reason, that I find on several occasions we have created, I would say, shameful history. If I invite leader of the opposition to my chamber, sir, you did का काम, मिनी संविधान तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया 42वें संशोधन में 40 अनुच्छेदों को ही बदल दिया गया। और अन्य सदस्य जब बोले कोर्ट निकले और इसको 5 साल पालन करना है सर, एक नहीं अनेक ऐसे संशोधन किए गए। उच्च न्यायालय से छीना पीएम पर नियुक्ति के व्यक्ति के चुनाव की जांच का अधिकार, न्यायपालिका से आपात की न्याय समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। अनुच्छेद 368 के तहत 40 अनुच्छेदों में को बदल दिया गया था। 42वें संशोधन को तो मिनी संविधान कहा गया। ये किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, जिसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हमारे समय मात्र 8 संविधान में संशोधन हुए, और मैं कहना चाहता हूं मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अधिकतर नेता जनसंघ के जेल गए थे संविधान को बचाने के लिए, इमरजेंसी के खिलाफ हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस समय जेल में थे। आज तो सपा वाले कांग्रेस के साथ बैठ गए, मुलायम जी भी उस समय जेल में थे। आज तो आरजेडी वाले इनके साथ बैठ गए, लालू जी भी उस समय जेल में थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है इमरजेंसी थोपने वालों के साथ आपको गठबंधन जरूरी है? अब आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हो। और यही नहीं, मीसा जी, बहन मीसा जी हैं, इनका तो जन्म ही मीसा एक्ट के दौरान हुआ। देश में मीसा थोपा गया तो मीसा जी का जन्म हुआ। ना जाने कितने लोगों का जान ली गई। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, इन्होंने अनेकों मैं अटल जी की 2 लाइनें कहना चाहता हूं। जो एक साल जब इमरजेंसी का हुआ तो उन्होंने क्या कहा था, झुसलाता जेठ बास, शरद चंदनी चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया, सिंचों में सिमट रहा।